बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी को पल पल नमन, पल पल सिरसा। सुंदर साहब जी, आप शिवराज जी श्यामा जी के मेल से आज आगे बढ़ते हैं गुर्जो की ओर। हमने अभी तक शोभा देखी। चांदनी चौक, श्री रंग महल की भूंबर ऊंचे चबूतरे की शोभा, एक मंदिर की शोभा, जरोखों में कैसे चढ़ना उतरना है और 10 मंदिर के घास की शोभा। आज हमें कुछ की शोभा हम पहले देख चुके हैं। आज हमें शोभा देखनी है कि 10 मंदिर के हाथ में अपना जो 10 मंदिर के हाथ में गोल जाया वो किस प्रकार से है। तो सुंदर सा से खुद को महसूस करते हैं हम रंग श्री रंग महल की भूंबर ऊंचे चबूतरे पर। इन परिक्रमा रोज पे है और परिक्रमा करते हुए खुद को महसूस करें कि हम धाम रोज पे परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरह से तो हमारे दाएं हाथ को मंदिर आ रहे हैं, बाएं हाथ को कठेड़ा आ रहा है। उस कठेड़े में भी हम देखेंगे जो परिक्रमा कर रहे हैं पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा में अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा, लेकिन पश्चिम दिशा में एक रूप फूलबाग का मिलान है वहां कठेड़ा नहीं है। उत्तर दिशा में आते हैं तो फिर कठेड़ा। ये शोभा फिर आगे करेंगे। अभी हम ध्यान देते हैं सिर्फ कुर्जों पर कि हम परिक्रमा कर रहे हैं कि देखिए कुर्ज किन स्थान पे आए हैं। उन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां पे दो पहल के कोने मिल रहे हैं उन स्थान पर कुर्ज की शोभा आई है। ये देखिए दो पहल के जहां कोने मिल रहे हैं वहां पे कुर्ज की शोभा आ रही है। तेंती सात की जगह पहले पहल से, तेंती सात की जगह दूसरे पहल वाले मंदिर से लेकर उसके सन्मुख ये अपना कुर्ज हुआ। तो इस तरह से घेर कर, तो लेकिन जब हम आएंगे यहाँ पर धाम रोज के सन्मुख, तो यहाँ भी तो दो कुर्ज दो हाँस के कोने मिलते हुए, या नक्शे में क्लियर नहीं हो रही वो चीज, लेकिन यहाँ पर भी तो दो हाँस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुर्ज आधा बुर्ज 10 मंदिर के हाथ का और आधा बुर्ज जो 10 मंदिर के हाथ में अपना 25 मंदिर का हाथ आया है, आधा बुर्ज वहां से है। तो आधा बुर्ज तो अपना हो गया चबूतरे पर और आधा बुर्ज हो जाएगा धाम रोज। तो हम बाकी जो बुर्जों की शोभा देख रहे हैं इन बुर्जों में हमने जाना है। तो दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। अब हम धाम रोज पे हैं। अपने एक हाथ को श्री रंग महल के मंदिर और वहीं पर जहाँ हाँस के कोने मिलते हैं बुर्ज की शोभा आ रही है। अब इन बुर्ज में अपन देखेंगे धाम रोज पर 3 दरवाजे की शोभा है। एक बड़ी विशाल मेहराब, मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल, 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, पेशानी, कांगड़ी, तुंडवा, तख्ता और फिर छज्जा तेल के साथ का। अब इन बड़ी मेहराब में 3 मेहराब, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार। तो इस तरह से हमने जब इस बुर्ज में जाना है, ये धाम रोज और बुर्ज का लेवल समान है। बुर्ज में जाना है तो एक सीढ़ी ऊंची जो चौखट आएगी उसको उलंघ के हम बुर्ज में आ गए। अब बुर्ज में है और भीतरी मंदिरों में जाना है तो भी अपने को, अभी उस नक्शे को भी देखेंगे तो भी अपने को, जैसे ये देखिए अपन यहां से देखते हैं कि मान लीजिए ये हाथ का कोना है, तेंती सात हमने इस मंदिर से और तेंती सात बुर्ज ने इस मंदिर से लिए, तो ये 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज हो गया। इन 3 दीवालों की शोभा हमने देखी कि बड़ी, बड़ी में 3 और मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार।
भीतरी दीवार जो हम देखेंगे गोर्ज की, उसमें मंदिरों के दो दरवाजे। अब इन मंदिरों में भी जाना है हमें तो, क्योंकि रंग महल के मंदिर भूम दर भूम हम देखेंगे जो रंग महल के मंदिर हैं और जो बुर्ज है वो समान लेवल में आए, घेर कर जो बुर्ज आए। अब ये बुर्ज और इस मंदिर का लेवल समान है। अब इन मंदिर में जाना है तो बस अपने को एक सीढ़ी चौखट उलगनी है और हम मंदिर में जाएंगे। तो ये शोभा तो हो गई घेर कर 200 बुर्जों की। श्री रंग महल में घेर कर जो 200 पहल आए हैं धाम दरवाजे के हाथ को छोड़कर, तो 201 बुर्ज है ना, तो 201 बुर्ज में से दो बुर्ज अपन निकाल लें तो यानी 199 जो बुर्ज हैं उनकी शोभा तो इस तरह से होगी। हम धाम रोज पे हैं, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलगेंगे और खुद को हम बुर्ज में देखेंगे। 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज, बुर्ज की भीतरी दीवार मंदिरों की ही दीवार है, उनमें दो दरवाजे चार जाली द्वार, और बाकी दीवालों में अपने को एक एक दरवाजा दो दो जाली द्वार, ऊपरा ऊपर इन बुर्जों की सुंदर शोभा। अब हम आते हैं धाम दरवाजे वाले हांस में बुर्ज की किस प्रकार से शोभा आई है। ये जो अपना धाम दरवाजे का हांस है इसमें बुर्ज की शोभा किस प्रकार से आई है। अभी हमने देखा आधा बुर्ज तो आ गया चबूतरे पर और आधा बुर्ज आया धाम रोज पर। और जो बुर्ज की जमीन है और 10 मंदिर के हांस के जो घेर कर अपने मंदिर आए हैं, पहली भूमि की हम बात कर रहे हैं, तो एकदम से तीसरी भूमि ध्यान आ गई। तो पहली भूमि में जब हम हैं तो बुर्ज और मंदिरों का लेवल समान रूप से है, इन नक्शे से भी हम देखते हैं। ये देखिए पूर्व दिशा के दो हांस, उनमें से पांच पांच मंदिर लेकर ये बुर्ज हुआ। अब इन बुर्ज में ये 10 मंदिर के हांस में हमने शोभा देखी कल अच्छे से, कि 10 मंदिर का जो अपना हांस आया है, ये जो अपना 10 मंदिर का हांस है, इनमें मध्य तो दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और दाएं बाएं चार मंदिर के लंबे चबूतरे हैं। अब हमने बुर्ज बनाना है यहाँ पर, यहाँ पे धनी ने बुर्ज बनाया है, तो ये आधा बुर्ज तो देखो धाम रोज पर और आधा आ रहा है इन चबूतरे पर, है ना। आधा बुर्ज आ रहा है धाम रोज पर और आधा बुर्ज चबूतरे पर। आधा बुर्ज इस 25 मंदिर वाले हांस पे, आधा बुर्ज इस 10 मंदिर वाले हांस पे। तो अब इन बुर्ज की शोभा देखनी है, एक बार वो नक्शा निकालती। ये देखिए हम सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से, सतगुरु महाराज शिव ज्वारदास महाराज जी का प्रदर्शन, हम दो मंदिर के लंबी चौड़ी चौक में हैं, चारों कोनों में हीरा के थम, सुंदर विशाल थम, और चौक के उत्तर दक्षिण हमने चार मंदिर के लंबे चबूतरे देखे। अब इन चौक से एक सीढ़ी चढ़कर हम इन दक्षिण तरफ वाले चबूतरे पर आ जाते हैं। चबूतरे की पूर्व किनार पर हीरा माणिक पुखराज पांचों नीलवी के थम, पश्चिम तरफ भी ऐसे ही थम आए हैं, लेकिन ये थम इन मंदिरों की दीवार में आए हैं। अब यहाँ पश्चिम तरफ हम देखेंगे, बुर्ज के पश्चिम तरफ ये जो दीवार लग रही है, तो यहाँ पर ये मंदिर अपने को पूरा नजर आ रहा है, दूसरा मंदिर भी पूरा नजर आ रहा है, तीसरा भी पूरा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो चौथा मंदिर है ये अपने को जो हम देखते थे ना, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में तीन तीन, तो बड़ी में जो तीन, उन तीन में से अपने को दो ही मेहराब नजर आ रही है, एक मेहराब इस कुर्श ने दबा ली है। एक बार वो नक्शा भी निकालती हूँ मंदिर का। ये देखिए एक मंदिर में क्या शोभा हम देखते हैं, कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में तीन तीन। ये देखिए मान लीजिए यही अपने, एक सेकेंड, यही अपने मतलब इसको हम चबूतरा माने कि ये भीतरी तरफ के अपने मंदिर हैं, तो तीन मंदिर तो ये पूरी संपूर्ण शोभा लिए,
है ना, हीरा मानिक नील भी लसनिया, यहाँ पर हीरा मानिक पुखराज पांचों नील भी। तो ये थंब वो अक्षी थंब है, ये सुंदर मेहराबे। अब हम आ जाते हैं चौथे मंदिर में। तो चौथा मंदिर अपने को चबूतरे पर इतना ही नजर आ रहा है, और ये जो एक मेहराब इस मंदिर की है, तीसरी मेहराब, वो इस बुर्ज ने दाब दी है। एक बार इस शोभा को फिर प्यार से करते हैं हम, कि हम चबूतरे पर हैं, चबूतरे के भीतरी तरफ वाली मंदिर देखते हैं। चबूतरे के भीतर अपने को कितने मंदिर नजर आ रहे हैं, चार। भीतरी तरफ यानी पश्चिम तरफ अपने को चार मंदिर नजर आ रहे हैं। ये मंदिर अपनी संपूर्ण शोभा सहित, संपूर्ण पूरी बड़ी मेहराब सहित, ये भी, लेकिन ये जो चौथा मंदिर आया है, ये चौथा मंदिर अपने को नजर आ रहा है इस तरह से, इतना, क्योंकि तो 33 हाथ चबूतरे पर उसने दबा दी। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये चबूतरे का दृश्य अपने नए प्रदर्शन से। ये देखिए हीरा और माणिकी जो दो मेहराब पड़ रही है, हीरा सॉरी सुंदर साहब जी, पांच और नीलवी की जो यहाँ पर ज्वाइंट मेहराब पड़ रही है, वहां पर ये जो चौथा मंदिर है वो चबूतरे पर अपने को इतना ही नजर आ रहा है। अब इस बुर्ज को हम देखें, आधा बुर्ज अपने को चबूतरे पर, ये जो पीला रंग दिखा रखा है ये चबूतरे का, और ये धामरोस, आधा बुर्ज अपने को धामरोस पे नजर आ रहा है। अब खुद को चबूतरे पर देखते हैं, और बुर्ज में उतरना है तो कैसे उतरेंगे? हम चबूतरे पर हैं, चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा है, और बुर्ज मंदिरों के लेवल में है। हम चबूतरे से मंदिर में जाते हैं तो एक सीढ़ी उतर के जाते हैं, तो इस बुर्ज में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? शेयर आ रहा बीबी, एक बार मैं दोबारा शेयर करती हूँ। असल में नक्शे काफी बड़े हैं तो कई बार हो जाता है। हाँ जी, अब ठीक है सिंह साहब, अब ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ जी, है ना। तो सुंदर साहब जी, हम चबूतरे पर हैं, चबूतरा एक सीढ़ी ऊपर है, मंदिरों में जाना है तो हमको क्लियर है कि हमको एक सीढ़ी उतर के मंदिरों में जाना है। अब इस बुर्ज में जाना है तो कैसे जाना है? तो बुर्ज और मंदिर का लेवल भी समान है, तो यहाँ भी अपने को एक सीढ़ी उतर के जाना है। चबूतरे पर है और इस बुर्ज में जाना है, पहली भूमि की बात कर रहे हैं अभी, तो हमको एक सीढ़ी उतर के जाना है। धामरोस पे है और इन बुर्ज में जाना है तो सिर्फ हमको चौखट उलंग के जाना है, क्योंकि धाम रोज मंदिर और बुर्ज का लेवल समान आया है, तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंगी। अब पूरब दिशा में आ जाए, आधा बुर्ज तो चबूतरे पर, आधा धाम रोज पर। यहाँ देखिए कितनी प्यारी शोभा धनी ने करी, कि जैसे हम इन एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर हैं और ये जगह एक सीढ़ी नीचे है। सखियों का, हम सब लाडली सखियां, यहां से भी बुर्ज में जा रही है, यहां से भी बुर्ज में जा रही है, तो उनके बीच में हद मर्यादा के वास्ते यहाँ पर चार हाथ का एक सुंदर सा, चार हाथ पर सुंदर कठेड़ा, सुंदर फूलों से जड़ित, नगों से जड़ित एक सुंदर मेले। अब यहाँ से सखियां जाएंगी तो यहाँ से, यहाँ पे अपने को तीन नजर आ रही है, तीन में एक ही सीढ़ी। यहाँ से जब सखियां जाएंगी तो एक सीढ़ी उतर के जाएंगी, इधर से जो सखी जा रही है वो जाएगी सिर्फ एक सीढ़ी चौखट पुलंग के। ये शोभा किस प्रकार से आई, ये देखिए अगला नक्शा लेते हैं। ये गुर्ज का भीतरी दृश्य, हम गुर्ज में हैं, भीतरी दीवार को तो छोड़ दें क्योंकि ये दीवार तो मंदिरों की है। ये जो तीन दीवारें गुर्ज की हैं, इन तीनों दीवारों में जो चौखट आई है, जो दरवाजे आए हैं, हम भीतर से जब देखते हैं ना, तो धनी ने इतनी प्यारी युक्ति करी है कि हम एक सुंदर 66 हाथ के लंबे चौड़े गुर्ज में हैं। भीतरी दीवार में हम देख रहे हैं दो दरवाजे, छह जाली द्वार, तो वो तो गुर्ज के बिल्कुल लेवल में आए हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होंगे,
वो मंदिरों के हैं बेसिकली, ये जो दरवाजे हैं मंदिरों के हैं, गुर्ज की ये तीन दीवारें हैं। तो इन तीन दीवारों में जो दरवाजे आए हैं, जब हम भीतर से देखेंगे या बाहर से देखेंगे, इन दरवाजों की ऊंचाई सेम आई है। अगर कमर भर ऊंचाई है तो कमर भर, अब यहाँ प्रथम भूमिका में एक हाथ की ऊंची चौखट चाहिए, क्योंकि हम जब चबूतरे से उतरेंगे तो अपने को एक हाथ ऊंची चौखट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तो चबूतरे से जब उतरेंगे तो दरवाजा चबूतरे के लेवल में होगा। तो यहाँ एक सीढ़ी ऊंची चौखट हुई, तो धनी ने इस तरफ भी और इस तरफ भी चौखट एक सीढ़ी ऊपर कर दी। अब चबूतरे से आना है तो हम एक सीढ़ी सीधा नीचे उतर आए, यहाँ से भी जा रहे हैं तो एक सीढ़ी सीधा नीचे, यहाँ से हमने को चौखट उलंग के आना है, इधर से भी चौखट उलंग के आना है। तो ये तो शोभा हो गई कि हमको बुर्ज में जाना कैसे है। और एक प्यारी शोभा द्वादशमा जी वर्णन करते हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ देखेंगे बुर्ज के जो पूर्व दिशा का दरवाजा है, 22 हाथ का जो लंबा चौड़ा दरवाजा है, उसमें 11 हाथ का पल्ला तो इस चबूतरे पर और 11 हाथ का पल्ला इस धामरस पर आ रहा है। और हम देखेंगे हीरा माणिक पुखराज पांचों नीली, जो नीलवी के मेहराब है, इस कोने से जैसे नीलवी की मेहराब है, वो कहाँ पड़ेगी? इस गुज की दीवार पे तो पड़ेगी बीचों बीच। इसको जो आदर्श मर्जी से देखते हैं, पर पहले ये देखिए, हीरा मानिक पुखराज पांच और नीली। अब ये नीली की मेहराब कहाँ जाके पड़ेगी? ये देखिए, इस गुर्ज के बीचों बीच जाके पड़ेगी, यानी यहाँ गुर्ज का जो पूर्व दिशा है उसके बिल्कुल बीच में अपने को नीलवी का अक्ष नजर आएगा। ये देखिए, गुर्ज के बीचों बीच नीलवी का अक्ष नजर आ रहा है। और ये जो दरवाजे हैं, जब दरवाजे के दोनों पल्ले बंद हो जाते हैं तो ये अक्ष अपने को नीचे तक नजर आता है। जैसे हम ये समझिए, ये दरवाजा मान ले आधा बुर्ज पे और आधा धामरोस पे, तो इसके बीच में नीलवी का अक्ष आ जाए। मैं एक बार अक्ष बना के दिखाती हूँ, ये दरवाजा हम महसूस कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना ये 44 हाथ का अक्ष हो गया नीलवी का, फिर ऊपर ये 44 हाथ की मेहरा पड़ेगी। तो ये जब दरवाजा बंद है तो दरवाजे के पल्ले, अपन कहते हैं ना हरित रंग की बेनी, तो वो दरवाजे के किनारे कुछ इस तरह से हैं, दरवाजे के दोनों पल्लों के, जब पल्ले बंद होते हैं तो अपने को नीलवी का पूरा 44 हाथ ऊंचा थंब नजर आता है। और इस थंब से मेहराब यहाँ पर, जैसे ये चबूतरे का एंड मान ले, यहाँ पे थंब उठा और इन दोनों की मेहराब 166 हाथ की, क्योंकि गुर्ज ने 133 हाथ की, क्योंकि 66 हाथ तो गुर्ज ने दाग ली, तो ये अपने पास 133 हाथ की मेहराब होती है। अब ये तो दरवाजा बंद है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो नीचे का 22 हाथ का अपने को थंब नजर नहीं आएगा, ऊपर के 22 हाथ का थंब नजर आएगा। अब इस शोभा को यहां से देखते हैं, ये देखिए सुंदरसा जी, यहाँ पर दरवाजे के पल्ले खुले हुए हैं तो अपने को नीचे का 22 हाथ का पिलर नजर नहीं आ रहा है ना, नीचे के ये 22 हाथ का पिलर अपने को नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये प्यारी शोभा बुर्ज की। एक बार हम कुछ और नक्शों से भी इन शोभा को देखते हैं, एक बार मैं नक्शे निकाल रही हूँ सुंदर साहब जी। सुंदर साहब जी, शोभा थोड़ी सी आज मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर प्यार से हम उस जगह खड़े होकर उस शोभा को महसूस करते हैं, मैं अभी ये शोभा दिखाकर एक बार पूरा वर्णन वापिस से करती हूँ, तो घबराए नहीं, प्यार से इस प्यारी सी शोभा को देखते हैं। ये देखिए, अब ये अपने को साइड एंगल से अपना ये, अब ये थोड़ा सा अपने को ये जो बुर्ज है ना, इस बुर्ज को अपने को आधा चबूतरे पर महसूस करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना हुआ है, ये बुर्ज देखिए आधा इस चबूतरे पर है ना, इसको इस तरह से हम ले,
अब यहां देखो ये नीलवी की मेहराब, ये नीलवी की मेहराब कहाँ पड़ेगी, ये 22 हाथ का ऊंचा दरवाजा, ऊपर ये 22 हाथ यहां से। अब ये मेहराब अपनी यहाँ पड़े, क्योंकि आधा गुरु चबूतरे पे है आधा नीचे है, तो अपने चबूतरे के दक्षिण तरफ 133 हाथ की ये नीलवी की सुंदर मेहराब। अब पिलर इस जगह है, एक बार मैं क्लियर करके वापस दिखाती हूँ, अपना ये पिलर यहाँ पर है, क्योंकि इसके ठीक सामने, इस थंब के ठीक सामने गुर्ज का सेंटर लग रहा है, तो पिलर धन यहीं पर होना था। अब दरवाजे के पल्ले बंद हैं तो अपने को पूरा पिलर नजर आ रहा है, 40 हाथ का थंब, 40 की मेहराब। ये देखिए पूरी मेहराब, मेहराब की नोक पर फूल, और इस मेहराब की चौड़ाई 133 हाथ, 100 हाथ की जगह में यहाँ कठेड़ा, क्योंकि नीचे चांदनी चौक से जगह ली है, तो यहाँ इसके नीचे चांदनी चौक है। फिर यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक कठेड़ा अपना यहाँ पर भी है 4 हाथ का। अब लगभग 30 हाथ की जगह बच गई, उस 30 हाथ से उतरकर इन धाम रोज पे आइए। तो इस तरह से अब इन शोभा को एक बार मैं वापस रिवाइज करके फिर सुंदर साजी से क्वेश्चन देते हैं। सुंदर साहब जी, उस जगह महसूस करके अपन इस शोभा को देखते हैं कि हम श्री रंग महल के 10 मंदिर के हास की प्रथम भूमिका में हैं। दो मंदिर के इन लंबे चौड़े चौक से एक सीढ़ी चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए। चबूतरे पर हैं पूर्व में खुली मेहराबे, पश्चिम में अक्षी मेहराबे मंदिरों की। तो यहाँ पर 4 मंदिर लगते हुए, जिनमें अपने को 3 मंदिर तो पूरी सुंदर शोभा सहित नजर आ रहे हैं, चौथे मंदिर में 33 हाथ की जगह गुरुज ने दाब ली है। अब हम इन चबूतरे में हैं और इन मंदिरों में जाना है, तो अपने को एक सीढ़ी उतरना है। अब मंदिर, धामरौस और गुरुज, इन तीनों का लेवल एक समान है, मैं लिख भी देती हूँ। मंदिर धाम रोस कहें, परिक्रमा रोस कहें, और गुर्ज, इन तीनों का लेवल समान है, और ऊपरा ऊपर मंदिर और गुर्ज का लेवल तो समान रहेगा, लेकिन वहां पे जो परिक्रमा रोस छज्जा आता है उसका लेवल एक सीढ़ी नीचे रहेगा। लेकिन हम प्रथम भूमिका आज देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंदिर, धाम रोस और गुर्ज एक लेवल में है। अब हम चबूतरे से जब गुर्ज में जाएंगे तो नेचुरल है अपने को एक सीढ़ी उतर के जाना है। धाम रोज से गुर्ज में आना है तो एक ही लेवल है, तो अपने को सिर्फ चौखट मिल गई, चौखट उलंग के आना है। अब पूरब दिशा का जो दरवाजा है, पूरब दिशा का जो दरवाजा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये हम गुर्ज मान के चल रहे हैं, तो पूरब दिशा का दरवाजा है वो तो आ गया चबूतरे पर आधा, और आधा जो दरवाजा आया है वो है धामरोस पर। तो जब चबूतरे से उतरेंगे तो हम सीधा ही उतर जाएंगे, धामरोस से उतरेंगे, धामरोस से गुर्ज में जाएंगे तो एक सी ऊंची चौखट उलंग पर। अब एक बार मैं दूसरे नक्शे निकालती हूँ गुर्ज वाले। नया नक्शा ही ले लो ना उसके बैठ। हाँ वही ले रही हूँ, है ना। देखिए सुंदर सा जी, गलती से यहाँ पे नक्शा तीसरी भूमिका आ गया, लेकिन इसको हम पहली भूमिका महसूस करें। एक सीढ़ी हम चबूतरे पे हैं, एक सीढ़ी उतर कर हम आ गए गुर्ज में। धाम रोज पे हैं तो एक सीढ़ी चौखट उलंग पर। पूरब दिशा में है तो आधा दरवाजा गुर्ज पे, आधा धाम रोज पे, बीच में एक सुंदर कठेरा। इधर से एक सखी उतर रही है तो एक सीढ़ी सीधा उतर जाएगी, इधर से एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंग पर। आगे क्यों नहीं हो रहा? ओके, लास्ट नक्शा था। हाँ जी, ये देखिए, ठीक है सुंदर साह जी, यहां से आए चबूतरे से आए एक सीढ़ी उतर कर, इधर से आए एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग कर, चबूतरे से एक सीढ़ी उतरना है और यहां से चौखट उलंगनी है। क्योंकि हम जब बुर्ज में हैं
तो ये तीनों दीवारों के जो मंदिर हैं, जो दरवाजे हैं, वो समान लेवल में है। आप अपने घर में, मंदिर में खुद को, अपने कमरे में खुद को महसूस करो। कमरे में मान लो तीन दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे एक लेवल में। अगर वो बिल्कुल जमीन की सतह पे है तो जमीन पे, तीन सीढ़ी ऊंचे हैं तो तीनों के तीनों तीन सीढ़ी, एक सीढ़ी ऊंची है तो एक सीढ़ी ऊंचे। अब यहाँ पर अपने को, क्योंकि हम चबूतरे पर एक दरवाजा है, तो इस दरवाजे को एक सीढ़ी ऊंचा करना ही करना है, तो इधर भी एक सीढ़ी ऊंचा और इधर भी एक सीढ़ी ऊंचा, इस तरह से। ये देखिए, दरवाजे का पल्ला खुल जाए तो आधा पिलर नजर नहीं आएगा, 40 में से 22 हाथ का पिलर नजर नहीं आएगा। और दरवाजे के पल्ले, अगर मान लीजिए अपन अभी महसूस कर रहे हैं कि दरवाजे के पल्ले बंद हो गए, तो ये पिलर अपने को पूरा 40 हाथ का नजर आता है ना। दरवाजे के पल्ले बंद है मतलब, तो दरवाजों की ऐसी शोभा है कि वो पल्ले बंद हुए और पूरा नीलम का अक्ष अपने को तले से लेके ऊपर तक नजर आ रहा है, ये सुंदर नीलवी की मेहराब बनती हुई, 133 हाथ की मेहराब। इस मेहराब में हमने जैसे अभी देखा, 100 हाथ में कठेड़ा, फिर धाम रोज पे उतरने की जगह, पहले कठेड़ा फिर उतरने की जगह फिर कठेड़ा बीच में, और इधर से हम उतर रहे हैं, इधर से उतर रहे हैं, बीच में कठेड़ा। तो सुंदर सा जी ये शोभा हुई गुरु जी की। क्वेश्चन है तो ले लेते हैं।